कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम क्या चाहते हैं? हस्बीर के सबके, चाचा के सबके, बुरहान के सबके, हम लेके रहेंगे। भारत इस खेल को जिस सीमत में धकेल रहा है, अकवामे मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का हाथ किसी और सीमत में बढ़े और सालों बाद फिजा में सीजियम 137 का गलबा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ से, और आप देख रहे हैं ASN वेब टीवी। कश्मीर फिर पुकार रहा है, कश्मीर फिर लहूलहान है। मुआहिदा क्या होता है और मुआहिदे का पास किस तरह रखा जाता है? भारत ने तो कानून की धज्जियां उड़ा दी, ना मुआहिदे का पास रहा ना कानून का ख्याल, अपना काला कानून नाफिज करता रहा और कोई भी भारत का हाथ नहीं पकड़ सका। भारत का आर्टिकल 370 क्या है और वो कौन सा मुआहिदा था जिसके तहत कश्मीर को एक आज़ाद रियासत की हैसियत दी गई थी, जानिए इसी वीडियो में। को जब तकसीम हिंद का फार्मूला मंजूर किया गया तो 562 रियासतों को आजाद छोड़ दिया गया था और उनको ये इख्तियार दिया गया कि अपनी नजरियाती और माशियाती हकायक को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान या भारत से इल्हाक कर ले। रियासत जम्मू कश्मीर की आबादी तकरीबन 80% थी और उनके सरहदों का 600 मील मगरबी पाकिस्तान के साथ मुश्तरक था। रियासत की वाहिद रेलवे लाइन पाकिस्तान के सियालकोट से गुजरती थी और बिरयूनी ममालिक के साथ डाक और तार का निज़ाम भी पाकिस्तान के जरिए होता था। रियासत की दो पुख्ता सड़कें रावलपिंडी और सियालकोट से गुजरती थी और दरामदाद बरामदाद का रास्ता भी पाकिस्तान से वाबस्ता था। इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक एक कुदरती और मंतिकी फैसला होना चाहिए था, लेकिन महाराजा हरि सिंह और कांग्रेसी लीडरों के दिली अजायम इस फैसले के बिल्कुल बरक्स थे। अपने इन मजमूम अजायम को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर एक ऐसा साजिशी जाल बुना जिसके फंदे में आज तक मकबूजा रियासत के बेबस और मजलूम आवाम आज तक गिरफ्तार है। 3 जून 1947 के फार्मूले के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी और कांग्रेसी लीडर कश्मीर पहुंच गए और उधर महाराजा हरि सिंह से मिलकर अपनी साजिशी जाल का मंसूबा कर आए। वाज़े मुसलमान अक्सरियत के बावजूद जिला गुरदासपुर को रेड क्लिफ अवार्ड के तहत भारत के हवाले किया गया, क्योंकि गुरदासपुर के बगैर भारत को कश्मीर पर गासिबाना कब्जे का मौका हाथ आ सकता था न रास्ता मिल सकता था। शदीद एहतजाज के बायस राजा हरि सिंह ने जम्मू के सूबे के मुसलमानों को मौत की घाट उतारने का फैसला कर लिया और डोगरा की पुलिस फौज और राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह यानी RSS के दस्ते खूनखार भेड़ियों की तरह मुसलमान रियाया पर छोड़ दिए। कत्ल गारत, लूटमार, खवातीन की बेहरमती और जवान लड़कियों की अगवाकारी की ऐसी क़यामत बरपा हुई जिनको अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। मुख्तसरन यूं के महाराजा हरि सिंह ने अपनी मनमानी की और रियासत का इल्हाक भारत के साथ कर लिया। इल्हाक के वक्त महाराजा हरि सिंह ने एक गैर मामूली काम किया था। वो काम ये था कि इल्हाक के बावजूद रियासत एक आज़ाद रियासत रहेगी जिसके तमाम रियासती उमूर, कानून साजी, शहरियत और दीगर उमूर रियासत के पास रहेंगे, न कि भारत के पास। भारत ने इस मुआहिदे पर दस्तखत करते हुए अपनी दस्तूर में आर्टिकल 370 का इजाफा किया जिसके तहत कश्मीर को एक खसूसी हैसियत दे दी गई। इस मुआहिदे की आठ पेशक ये थी कि भारतीय हुकूमत को रियासती हाय मुतहिदा की खुद मुख्तारी और हकीमियत आला पर कब्जा हासिल नहीं होगा और हर हाल में रियासती इंतज़ाम रियासत के पास ही रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कोई भी मुआहिदा एक तरफा नहीं होता। न सिर्फ महाराजा ने इस पर दस्तखत किए थे बल्कि भारत ने भी इस पर मनोगन अमल किया था और ये भी लिखा गया था कि अगर मुस्तकबिल में कोई तब्दीली या इजाफा लाना पड़े या कुछ भी दरकार हो तो दोनों बैठकर मुश्तरिका तौर पर कर सकेंगे। कश्मीर की इस खसूसी हैसियत के मुताबिक कश्मीर को आज़ाद हैसियत से रहने के लिए ये तस्वूर करना ज़रूरी समझा गया कि कोई भी भारतीय शहरी उधर ना जायदाद खरीद सकेगा ना मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लेगा। रियासत की दिफाई जिम्मेदारी भारत पर डाल दी गई और इसी को बुनियाद बनाते हुए भारत ने अपनी फौज कश्मीर में दाखिल कर दी। अब मोदी सरकार ने तमाम तर कवानीन को पसीपुश डालते हुए कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा किया है, जिसका मतलब है कि भारत ने खुद इल्हाक के इस मुआहिदे को तोड़ दिया है।
معاہدہ شکنی کی سبب کشمیر میں موجود بھارتی فوج اب قابض فوج میں تبدیل ہو چکی ہیں اور بھارت کا قانونی قبضہ اب غیر قانونی ہو گیا ہے۔ بھارت اس کھیل کو جس سمت میں دھکیل رہا ہے، اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا ہاتھ کسی اور سمت میں بڑھے اور سالوں بعد فضا میں سیزیم 137 کا غلبہ ہو۔ السلام علیکم، یہ ویڈیو جو تھی وہ آج کل کے موجودہ صورتحال کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چھوٹا سا ایک کلپ بنایا۔ تفصیل کے ساتھ ہم کشمیر پر بات کریں گے انشاءاللہ، ہماری ایک دوسری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی بہت جلد، ہم لکھ رہے ہیں اس پر، اور جو تاریخ کا ایک کتاب ہے اس سے ہم لے رہے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیں گے، اس ویڈیو میں آپ کو پھر دکھائیں گے بھی۔ تو پھر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک کشمیر پر ویڈیو بنا رہے ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا پھر۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔